हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है शिवाय गेमिंग के एक और न्यू 1000 पीसी बिट की वीडियो पर। तो सबसे पहले हम अपनी परंपरा के अनुसार सर्च कर लेते हैं 65K पीसी बिल्ड। तो लोगों ने इसके ऊपर ना क्या एक्शन दिया है, क्या जिसने कंपोनेंट यूज किए, ये सब चीज़ें देखते हुए हम इसको बिल्ड करेंगे। तो 65 पीसी बिल्ड में इस भाई आपने दे AMD Ryzen 5 500G, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी अच्छे प्रोसेसर के साथ बनाए और इन्होंने इसमें काफ़ी कार्ड नहीं दिया है, B450 मदरबोर्ड दिया है, पावर सप्लाई दी है, रैम दी है, और ये कुछ है इसमें। अच्छा SSD, वो ये रैम हो गई इसकी, चलो ठीक है। और नेक्स्ट पर बढ़े तो इस भैया ने अभी 50,000 में RTX 3050 AMD Ryzen 5 500 यूज किया है। 50,000 का है, 5,000 का फर्क आ जाएगा। और इसमें इस भैया ने 50K तक का है भी। तो चलो अब इन दोनों की अब इनकी इकॉनमी छोड़कर हम अपने पीसी बिल्ड पे आते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होने वाला है। तो दिल थाम कर बैठे। तो हमने इसमें यूज किया है इंटेल कोर i7 का 12700K डेस्कटॉप प्रोसेसर, जो कि 12 जनरेशन के साथ शायद आता होगा है, या 12 जनरेशन रहते थे ना। हाँ कुछ तो है, i7 है, 12 जनरेशन मेरे को भी नहीं पता। हाँ 12 जनरेशन के साथ आता है और 8P प्लस 4E मिलता है आपको, और कोस USB 2.5.0 GW मिलता है, अप टू क्लॉक LGA 700 700 स्कोर आपको इसमें मिलते हैं, और 120 वाट का आता है। अभी क्या है इसमें, इतने बहुत बड़ी रामायण हो गई। तो ये इसकी सारी डिटेल आप इस वीडियो को देख के देख सकते हो। और नेक्स्ट पर बढ़े तो नेक्स्ट में हमने इसमें यूज़ किया है RX 598 GB का ग्राफिक कार्ड, DDR5 260 बिट के साथ आता है, 3.0 16, और USB RX 590 है इसमें, और वीडियो गेमिंग वीडियो कार्ड है इसमें, यानी कि गेमिंग के लिए बेस्ट होने वाला है। आप इसमें हेवी टू हेवी गेमिंग कर सकते हो, और आपको इसमें 2 ड्यूल फैन मिल जाएंगे, और हीटिंग कूलिंग के लिए आपको मिल जाएगा, एंड फुल स्टील बॉडी मिल जाएगी, पावर एक्सटर्नल कनेक्शन मिल जाएगा आपको, और मिनिमम मिनिमम तभी 250 वाट की पावर सप्लाई तो इसमें आपको चाहिए होगी। और आप में इसको बहुत सारे आपको स्लॉट बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें, HDMI स्लॉट 3 स्लॉट और मिल जाएंगे इसके साथ आपको। ये कौन सी इमेजिंग, अच्छा ये इसके सारी इमेजिंग है, साथ दिखाने वाला ये कुछ AMD का डॉक्यूमेंट जो भी आप बढ़कर देख सकते हो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। और ये है ड्यूअल फैन के साथ आता है सिस्टम। और नेक्स्ट पर बढ़े तो नेक्स्ट में हमने इसमें XPG की D500 RGB 16 GB की रैम यूज की है, जो कि 3200 MHz के साथ आती है, और 5 साल की वारंटी के साथ आती है, और 8 GB है, और लगभग लगभग तो भी आपको 3,300 रुपये मिल जाएगी ऑनलाइन, ऑफलाइन तो और सस्ती। इसमें आपको 8 GB लुक मिल जाएगा अच्छी तरीके से, और ऊपर की तरफ भी 8 GB होगी इसमें आपको, ये देखो वो यहाँ से यहाँ तक 8 GB है, और आपको 1 2 3 4 5 5 से 6 RGB कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे, और लुक भी कंडीशन भी काफ़ी बेस्ट आती है इन लोगों की। ये कुछ मदरबोर्ड में लगने के बाद ऐसे इसकी लुक हो जाएगी, ये कलर तो चेंजिंग होते रहेंगे इसका आप देखो ऐसे लगेगी। और नेक्स्ट पे बढ़े तो नेक्स्ट में हमने MIT की 512 GB की M2 2280 इंटरनल सोलर SSD यूज किया, जो कि 507 MB/s ट्रांसपोर्ट करती है, और 500 MB/s और 5 ईयर की वारंटी के साथ आती है, जो कि काफ़ी बेस्ट टू बेस्ट बात हो गई। ये देखो ये इसके CL नंबर हो गए 500% 500 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और नेक्स्ट में बढ़े तो नेक्स्ट में हमने इंटेल का सुपर 1100 mid टावर कैबिनेट यूज किया है, जिसको हमने लगभग बहुत सारी वीडियो में यूज कर लिया है, क्योंकि इस बजट रेंज में आने वाला इससे बढ़िया कैबिनेट कोई हो ही नहीं सकता अभी के हिसाब से। इसमें आपको सुपर ATX M ATX
ITX वो इंटेल 3 IGB फिर लोडिंग मिल जाते आपको 120 mm के फैन में, और 120 mm का एक फैन पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा। और ये कुछ आगे से लुक इसकी जाली लगी हुई है, और ये इसके कुछ प्रोटेक्शन हो गए इसकी। और इस इमेजिंग में ये आगे से बाहर से कूलिंग हवा को अंदर तरफ घिसता है, और हीट हवा को बाहर तरफ पीछे से बाहर निकालता है। ये इसके सारे कनेक्शन हो गए, पावर बटन, स्टार्ट बटन, हेडफोन बटन, माइक बटन, माइक सॉरी हेडफोन, और USB 2.0, USB 3.0, USB 2.0, और मिनी ATX, मिनी ITX, माइक्रो ITX, और ATX सपोर्ट करता है 200 mm की पावर सप्लाई को साथ। और आप इसमें 300 mm का कॉपी कार्ड भी यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट में हमने यूज किया है 1 GB का B450M DS3HV2 मदरबोर्ड, जो कि M4 को साथ आता है, और M2 इसमें HDMI पोर्ट आते हैं, और 3.1 USB पोर्ट, और DDR4 को सपोर्ट करता है मदरबोर्ड, तो काफ़ी बेस्ट मदरबोर्ड हो सकता है इस बिजली हिसाब के। तो हम इसमें चलते हैं। इसमें आपको 4 AM स्लॉट मिल जाएंगे, एक प्रोसेसर स्लॉट, एक आपको SSD स्लॉट, एक GPU, 2 GPU स्लॉट मिल जाएंगे इसमें आपको। और क्या चाहिए आपको? और यहाँ पर ये देखो पावर कनेक्शन के लिए कुछ लाइटिंग दी हुई है, और ये इसके सारे पोर्ट हो गए। इसमें आपको माइक्रोफोन, यूज हेडफोन और लैन पोर्ट, 3 पोर्ट मिल जाएंगे। ये आपको लैन पोर्ट हो गया वाईफाई के लिए, USB 2.0 पोर्ट 2 मिल जाएंगे, 2 इधर 4, और VGA पोर्ट मिल जाएगा आपको, HDMI पोर्ट मिल जाएगा, और 3.0 के आपको 3 पोर्ट इसमें मिल जाते हैं। और नेक्स्ट पर बढ़े, तो नेक्स्ट में हमने इसमें यूज किया है, सॉरी इसके लिए, तो नेक्स्ट में हमने इसमें यूज किया है जेबोनिक की ZX 500 वाट की पावर सप्लाई, जो कि 120 mm RGB फैन के साथ आती है, और 12 MB/s ट्रांसपोर्ट करती है, और बेस्ट पावर सप्लाई अपने स्पेसिबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि 500 में इनफ है। इसकी केबल है 1.5 mm पावर केबल, ये देखो, और ये इसके सारे कनेक्शन हो गए। इसमें आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, हमारे इस पीसी बिल्ड को यहाँ पर एंड करते हैं। तो आई होप हम आपको हमारा आज का पीसी बिल्ड का वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, जय हिंद, गुड बाय, गुड बाय।